हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल फजीता राइस, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फजीता राइस बनाने। ये हमने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसे वॉश कर लिया है, स्ट्रिप्स में लंबे लंबे कट कर लिया है। और इसमें ऐड कर लूँगी फिर अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून भर के। उसके बाद फिर ये मैं ऐड करूँगी 1 खाने के चम्मच सोया सॉस। उसके बाद ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद फिर ये 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया था, आगे भी हमें लेना है ये 1 टीस्पून वेनेगर ले लेंगे। उसके बाद फिर ये 1 खाने का चम्मच तेल ले लेंगे, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं। और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करना है, जितने टाइम हमें मैरिनेशन का मिलेगा उतना ही अच्छे से राइस हमारा बन जाएगा। तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब चलिए चावलों को रेडी कर लेते हैं। तो पतीली में मैंने 1 बोल पानी ऐड कर दिया है, नमक को ऐड कर देंगे और इसे बबल्स आने तक बनाएंगे। और ये मैंने चावल लिया है, ये सेला चावल है, इसे मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। चावल भीग चुका है, वॉश कर लिया है, ये देखिए पानी में बबल्स आ चुका है। अब मैं सारे चावलों को इसमें ऐड कर दूंगी और कुक कर लूंगी। बहुत ज़्यादा इसे कुक कर नहीं करना है और एक कनी भी नहीं करना है रखना है। चावलों को हमें एक्स्ट्रा बॉयल नहीं करना है, ये देखिए पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। और इसे जब पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो इसे पंखे में रख देंगे ठंडे होने के लिए। ये देखिए ये 99% कुक चावल है, इसे ठंडा कर लेंगे हम पंखे के नीचे रख के। अब चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं चिकन की। तो ये मैंने कुछ गर्म मसाले लिए हैं, 2 इलायची और 1 दालचीनी और ये मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, ऐड कर देंगे इसमें और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट गोल्डनिश ब्राउन होगा। इन प्याज को हमें बहुत महीन स्लाइस में कट कर लेना है और ये देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया प्याज। इसी पॉइंट पे हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था वो इसमें सबको ऐड कर देंगे और इसे बग़ैर लिड लगाए ओपन ही इससे हमें कुक करना है। इन चिकन में हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है और इसे ओपन रख के ही इसे हमें कुक करना है। और कवर अगर कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो इसे हमें ऐसे ही कुक करना है ओपन। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिया था, इसे महीन स्लिट कर दिया है। और ये मैंने कैप्सिकम लिया था 1, इसे मैं जूलियन कट करके दोनों को इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी ओपन ही हमें कुक करना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिकन जले ना। शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद हमें इसे कुक करना है कम से कम 10 मिनट तक। ये देखिए चिकन बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली रेडी हो चुका है और इसे थोड़ा सा बस फ्राई करके इसे एक हम साइड पे रख देंगे। अब देखिए चलिए चावलों का हाल देखते हैं। तो ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इसमें से जितनी स्टीम थी वो रिलीज़ हो चुकी है। ऐसे ही हम अगर चावल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा फजीता राइस। तो सब चावलों को मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। ये मैंने 4 कप चावल लिया था, मैं बताना भूल गई थी इसलिए भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कि चावल हमारा टूटे नहीं। ये देखिए सब मिक्स हो चुके हैं और उसके बाद मैं फूड कलर इसमें ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं और ना भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसे ओपन किया तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार फजीता राइस, बिल्कुल अलग अलग चावल है। अब इसे मैं एक प्लेट में डिश आउट करूँगी, बहुत ही मज़े की बनती है फ्रेंड्स। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और घर में मैंने बनाया था तो सबको बहुत ही पसंद आई। और तो कैसी लगी ये मेरी फजीता राइस की रेसिपी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये राइस की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।